वेलकम टू अवर चैनल ब्रेन डेवलपर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने सिलेक्ट किया है डिटरमिनेंट। लास्ट वीडियोज में आपको मैट्रिक्स का ए टू जेड बिल्कुल इजीली सब कुछ बता चुका हूँ, तो अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट रिलेवेंट टॉपिक है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जैसे ही हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तुरंत हमें डिटरमिनेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं लेके आया हूँ आपके लिए डिटरमिनेंट के लिए लेटेस्ट वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेरा पैटर्न वही है जो हमेशा रहता है। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ डिटरमिनेंट होता क्या है, कैसे हम उसको यूज करने वाले हैं, फिर क्या प्रोसेस होती है डिटरमिनेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आप तो बोर्ड के ही स्टूडेंट्स हैं, और बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप किसी भी बोर्ड के हो, इट डज नॉट मैटर व्हाटएवर यू आर, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और एनी अदर बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट की गुंजाइश नहीं होती बेटा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपके लॉन्ग में आते हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिटरमिनेंट के काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, क्योंकि ये देखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जितनी ज्यादा आपको प्रॉपर्टीज आती होंगी आप उतना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो डिटरमिनेंट क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से देखना है, इस टॉपिक की एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपने अगर मैट्रिक्स पढ़ी है तो आपको ये पता होगा मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? मैट्रिक्स कांट बी सॉल्व, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसको हम केवल अगर ऐसे लिखा हुआ है बेटा तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा। दिस इज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, यही मेरा आज का इस वीडियो का टॉपिक है, और कैसे हम डिटरमिनेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये क्या है भाई मैट्रिक्स? अगर हमें डिटरमिनेंट की बात करनी है तो डिटरमिनेंट को हम पहचानेंगे कैसे कि क्या है डिटरमिनेंट? तो डिटरमिनेंट को बेटा कुछ एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ये ए मैट्रिक्स है और इस तरीके से क्वेश्चन आपको कहा गया है, तो ये पूछना चाह रहा है आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। कुछ लोग इसको मॉडुलस पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में मॉडुलस इसका नेम नहीं होता, एक्चुअल में होता है डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए। दूसरी चीज इसकी रिप्रेजेंटेशन की क्या है? डेल्टा। ये जो डेल्टा आप साइन देख रहे हो, ट्रायंगुलर साइन, ये भी हमारा बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? डिटरमिनेंट को। ओके, तो अगर आपको मैंने पूछ दिया ए इक्वल गिवन ये है, मैंने कहा डेल्टा बताइए क्या होगा, तो आपको क्या बताना है? डिटरमिनेंट बताना है। कैसे बताना है मैं आगे बताने वाला हूं। ओके, तो ये जो मॉडुलस जैसा साइन आप देख रहे हो, डिटरमिनेंट इसे बोलते हैं। ओके, और कैसे लिखा होता है? और इस तरीके से लिखा होता है, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ नंबर्स लिखे हों इस तरीके से 2, 3, 4, 6, तो ये है डिटरमिनेंट। ओके, अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ ये कॉर्नर बने हुए बेटा, तो ये कहलाती है मैट्रिक्स, एंड दिस इज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स कांट बी सॉल्व, इसे आप और सॉल्व नहीं कर सकते हो। मैट्रिक्स इज एज इट इज, मैट्रिक्स हमेशा ऐसे ही रहेगी, इसे हम और एक्सपेंड या सॉल्व नहीं कर सकते। बट डिटरमिनेंट गिव्स अस अ न्यूमेरिकल वैल्यू, डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसीलिए इनमें हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू होती है, वी कैन प्ले विद नंबर्स। ओके, तो ये आपको डिटरमिनेंट समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस तो डिटरमिनेंट होते हैं, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मार्क करनी है, और बेटा प्लीज आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, इनको आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें, जरूर लिखें। ओके, या फिर रफ नोट्स बना लें, कैसे निकल लें, कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। लिखने से माइंड में वो प्रिंट हो जाती है, जब कोई चीज प्रिंट हो जाती है तो इजीली नहीं होती। ओके, तो अब डिटरमिनेंट को दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज नहीं, ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन है डिटरमिनेंट के बारे में। तो डिटरमिनेंट ओनली एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी बेटा 2x2 हुई इस तरीके से, चार एलिमेंट वाली, या फिर 3x3 की हुई, 9 एलिमेंट वाली,
केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमारी डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगी। ओके, कैसे केस में? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, अदर केस में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होगा। रिमेम्बर, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स जब होंगी तो हम उनका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो या तो 2x2 फॉर्म में या 3x3 फॉर्म में, और 4x4 भी हो सकता है, लेकिन 4x4 काफी लॉन्ग हो जाता है, काफी टफ क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए वो आपके पैटर्न में नहीं होते हैं, एग्जाम्स में नहीं आते हैं, सिलेबस में नहीं होते। ओके, तो ये पैटर्न समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? पहली, डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो पहले लाइन के बीच में यहाँ पर नंबर्स लिखे, 9 भी लिखे हो सकते हैं, 2x2 की होती है तो 4 भी लिखे हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? डिटरमिनेंट का आंसर होता है, एक फिक्स आंसर होता है, चाहे कुछ भी हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी अभी क्या बताई मैंने आपको, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जब उनका ऑर्डर स्क्वायर होगा तभी वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और डिटरमिनेंट के बारे में। अब आपको जो समझना है कि वैल्यू तो होती है लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। किसी भी डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, यानी उसकी हम जो वैल्यू की मैं आपको बात कर रहा था कि भाई ये वैल्यू देगी लेकिन कैसे देगी, हाउ इट वर्क्स या प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें बात करनी है डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन बेटा या तो 2x2 का होगा या 3x3 का। तो पहले मैं 2x2 का आपको हेल्प करता हूँ। इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, तो अगर 2x2 की कोई मैट्रिक्स है उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं सीधे। ये है बेटा 2, ये है 4, ये है 6 और ये है 8। ठीक है, ऐसे भी बताता हूँ, ABCD लिख के एक बार बता देता हूँ। तो अगर A, B लाइन से लिख देता हूँ, C और D, ये डिटरमिनेंट हमें निकालना है इस चीज का, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही बेसिक है, आपको इन दोनों का इंटू करना है। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं मैट्रिक्स में, लेकिन अभी आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। इन दोनों का इंटू करना है, माइनस लगा के इन दोनों का इंटू करना है। ओके, क्या करना है? इन दोनों का इंटू, माइनस लगा के इन दोनों का इंटू। रिमेम्बर द डायरेक्शन ऑफ नंबर्स, यानी आपको पहले ए और डी का इंटू करना है, फिर माइनस लगा के बी इंटू सी, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है? ए डी माइनस बी सी, दिस इज द आंसर ऑफ योर डिटरमिनेंट। यानी 8 2 16 माइनस 6 4 24, दिस इज योर आंसर, यानी इट इज -8। एज आई सेड, इट गिव्स अस अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यही हमारी वो वैल्यू है जो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो उसको हम चाहे तो डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर मैंने इसको नाम दिया होता ए, तो इसी को हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी -8। ओके, ठीक है, अगर मैट्रिक्स होती ए तो फिर उसका डिटरमिनेंट निकल आता ये माइनस। ठीक है ना, तो आई होप 2x2 मैट्रिक्स का तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम समझ, पता नहीं क्या इतना सरल है, लग नहीं रहा कि हम 12th में पढ़ रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, जब चीजें स्टार्ट होती हैं तो वो इजी ही होती हैं, लेकिन जब हम उनको आगे तक पढ़ते हैं तो फिर वो थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाती है। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इन केस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स या 3x3 डिटरमिनेंट, अगर हमें निकालना है 3x3 का तो हम कैसे निकालें। ठीक है, इसको मैं आपको ABCD लिख के ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल पैटर्न लगता है मुझे। तो अगर मैं एलिमेंट्स लिख लूं तो 3x3 मैट्रिक्स है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड। ओके, यहां बेटा आपको काफी अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखें। ठीक है, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में वेक्टर में भी मिलता है, जब आप मैथ में क्लास 12th में एक और चैप्टर है आगे आपका वेक्टर के करके, तो आप उसमें भी सेम चीज को फिर से लगाने वाले हो। ओके, तो इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे हमें एक्सपेंड करना है, कोई भी डाउट नहीं रखते। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सपेंड। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा डिटरमिनेंट होता है, ठीक है, उसको हम
चाहे तो यहां से एक्सपेंड करें, ठीक है समझ लीजिए, चाहे ऐसे में एक्सपेंड करें, चाहे बीच वाली लाइन के अलोंग करें, चाहे नीचे वाली लाइन के अलोंग, हम किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके किसी के भी अलोंग। ये चीज जब आप क्वेश्चंस करोगे काफी और ज्यादा हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मेरी बातें आपको थोड़ी और क्लियर होने लगेगी। तो किसी के भी अलोंग करते हैं, लेकिन जो हम जनरल वे में यूज करते हैं पहले मैं आपको वो वाली चीज बताने वाली हूँ। तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अभी ऊपर एबीसी के अलोंग, ठीक है कैसे करेंगे ये आपको समझना है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे बेटा ए, क्या लिखेंगे ए, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना है और एक एक करके करते जाना है, ये बस आपको ध्यान देना है, ठीक है बाकी पूरी प्रोसेस देखिए इजीली आपको आ जाएगा। पहले आपने लिखा ए, लिख लिया ए के लिए अगर हम लिखेंगे तो जिस पॉइंट को आपने कंसीडर किया है वो वाली रो और कॉलम आप भूल जाइए कि है वहां पे, ठीक है। तो यानी आपको भूल जाना है कि ये इतनी चीजें यहाँ है, केवल क्या दिख रहा है अब आपको, देखिए आपको केवल ये दिख रहा होगा क्यू आर वाई जेड, तो इसके साथ आपको क्या लिख देना है इधर क्यू आर वाई एंड जेड, ये चार चीजें लिख देंगे, ठीक है ना। सिमिलर आपको करना है बी के लिए, इसके लिए बी के लिए, तो मैंने आपको पहले बता रखा है प्लस माइनस प्लस, रिमेम्बर ओके, अगर इसके लिए यूज करोगे तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे में यूज करोगे तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है ठीक है। अब मैं आया बी पे, तो बी के लिए क्या बताया मैंने आपको माइनस, अब बी के लिए जब हम बात करेंगे बेटा तो सेम पैटर्न, पैटर्न क्या है आपका कि बी को आपको छोड़ना है उसी रो को और उसी कॉलम को, ये चीजें आपको छोड़ देनी है, क्या बचा पी एक्स आर जेड, ओके अगेन सी, और इसको अब आप क्या लिखेंगे, क्या बचा है अब आपके पास, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए, अब आपके पास बचा है बेटा पी एक्स क्यू वाई, यही बचा है ना, ओके। तो ये अब आप देखिए इतनी छोटी छोटी डिटरमिनेंट्स को तो मैं आपको पहले ही सॉल्व करना बता चुका हूं, और जब आप स्टार्टिंग केस में हो बेटा तो बिल्कुल इसी तरीके से करें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी जब आप इनको अच्छे से करना सीख जाओगे। तो अब आपको डायरेक्ट आने लगेगा ए लिखा, अब देखना मैं बाईपास कर रहा हूं थोड़ा, तो अब एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है ए के लिए, देखो तो क्यू जेड माइनस वाई आर, देखो क्यू जेड माइनस वाई आर। तो अभी जब आप स्टार्टिंग स्टेज में हो बेटा तो आप इसी तरीके से लिखें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद उनको इजीली डायरेक्ट एक लाइन में लिख पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में बेटा आप थोड़ा सा कष्ट करें, ठीक है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से लिखें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा बी के लिए लिखेंगे तो पी जेड माइनस एक्स आर, सी के लिए किया पी वाई माइनस एक्स क्यू, इतना इजी है ये, और ये जब हमारी कोई वैल्यूज होंगी तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे और ये हमें गिवन आंसर दे पाएंगे, ओके। तो आई होप जो एक्सपेंशन है डिटरमिनेंट का वो आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक पॉइंट्स, डिटरमिनेंट ओनली एग्जिस्ट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट गिव्स अस अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। तो ये जो दो तीन पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए है ना। तो अब आप एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे, ओके बेसिक क्वेश्चंस हैं 2x2 की मैट्रिक्स के, इधर उधर गुणा कर दो बस सॉल्व कर दो, हो गए सारे क्वेश्चंस, ओके। जो आपकी 4.1 है उसे आप जरूर कंप्लीट करें, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज, ओके तो जिससे आपकी 4.2 एंड देन एक और फॉर्मूला देन 4.3, इतना ही हमारा आज का टारगेट है। तो ये जो एक्सपेंशन बेटा आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, ओके। तो मैंने आपको पहले ही कहा है डिटरमिनेंट बेटा जो है वो काफी सिंपल टॉपिक है, बस इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को ध्यान रखना है, ये चीज ये जो प्रोसेस है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाली आप लोग जरूर याद रखें, क्यों क्योंकि इसके हम फिजिक्स में भी वेक्टर के क्वेश्चंस किए होंगे आपने, और अभी आपका आने वाला चैप्टर और है क्लास 12 की मैथ्स में वेक्टर मिलेगा, वहां पर भी सेम चीज होगा, ओके। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी बात कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि प्रॉपर्टीज एक तरीके से मान लीजिए जैसे कि हम फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, तो फॉर्मूले क्या काम करते हैं चीजों को सिंपल बनाते हैं, वही काम आपका यहाँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज करने वाली है। कोई भी डिटरमिनेंट टफ है तो प्रॉपर्टीज उसको बहुत सिंपल बना देंगी, आप
खुद यकीन नहीं करोगी, लो इसका तो आंसर ये है, इतना इजी है ये तो, ठीक है। तो अब आपको क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो एक्चुअल में बेटा प्रॉपर्टीज तो आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगी, सारी लिखी हुई है, एनसीईआरटी बुक खोलिए, लाइन से आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। बट इस वीडियो में आपको उनको डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है, इन शॉर्ट वे में आपको क्या याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन से, ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर वन है हमारी, अगर हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं, मैं आपको जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो मैं स्टैंडर्ड यानी कि जो मैंने माना है एबीसी पीक्यूआर एक्स वाई जेड इसी के रेफरेंस में देने वाला हूँ, ठीक है। इसी के साथ ही मैं आपको सारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेंगे, ठीक है। तो एबीसी पीक्यूआर एक्स वाई जेड, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, आर इंटरचेंज विथ कॉलम, ओके। क्या लिखा है, आर मतलब रो, सी फॉर कॉलम, रो और कॉलम दोनों तरफ एरो है, यानी हम रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर सकते हैं, ओके। यानी कि हम अगर चाहें तो ए बी सी को इस तरीके से, ए पी एक्स को इधर, और क्यू वाई आर और जो जेड है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी होगी, कोई चेंज नहीं होगा आपके डिटरमिनेंट के आंसर पर, ठीक है। और यही चीज हमें अलाउ करती है कि मैंने आपको कहा था आप चाहो तो ऐसे में सॉल्व कर दो डिटरमिनेंट और चाहो तो ऐसे में, आप देख सकते हो क्योंकि चाहे ऐसे में करोगे चाहे ऐसे में करोगे सेम आंसर आने वाला है, नो प्रॉब्लम, ओके, गॉट इट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, रो एंड कॉलम कैन बी इंटरचेंज, ओके, नोट इट, ओके। अब हम आते हैं बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी पे, तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट की, उससे मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर टू, और बेटा जो क्वेश्चन आता है वो साफ साफ लिखा होता है, यूजिंग प्रॉपर्टी नॉट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करोगे आप सबका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में अगर यूजिंग प्रॉपर्टी तो आपको इन प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है, उसका आंसर लाना है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाँ दूसरी प्रॉपर्टी है, अभी क्या बताया था ध्यान रखना बेटा, मिक्स मत कर देना चाहिए, अगर हम रो और कॉलम को मिक्स इंटरचेंज करेंगे देन नो चेंज, कोई चेंज नहीं, अगर हम रो को आपस में या कॉलम को आपस में चेंज करेंगे देन देयर कम्स अ नेगेटिव साइन, तो उनमें कितना अंतर आ जाएगा, माइनस का अंतर आ जाएगा, यानी हमें माइनस लगाना पड़ेगा अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो, ओके, ठीक है। यानी कि अगर हम दो रो को, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में बदलना चाहते हैं तो हमें किस साइन का यूज करना होगा, माइनस का, ओके, रिमेम्बर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखिए दो रो है, एक एबीसी है उसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ एक्स वाई जेड की जगह, सॉरी पीक्यूआर और एक्स वाई जेड को आपस में बदल दे रहा हूं, अगर मैंने ऐसा किया है तो फर्क क्या पड़ेगा, इसका अगर डेल्टा आंसर आया है तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस डेल्टा, क्या आएगा, माइनस डेल्टा, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर हम दो रो को आपस में चेंज करेंगे, केवल दो रो आपस में चेंज करेंगे तो उनसे क्या आ जाएगा, माइनस, यही प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी। अगर मान लो एक को और चेंज कर दिया आपने, ठीक है, अब मान लो आपने कहा ये भी आर वन को इसमें आर टू को आर थ्री में चेंज कर दिया, अब आर थ्री को चेंज कर दो आर वन में, तो फिर से चेंज करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये चीज हमारी रिपीट होती रहेगी, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी, अगर हम रो या कॉलम को आपस में नहीं, आपस में रो और कॉलम को करोगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमें माइनस साइन लगाना होगा, यानी अगर इसका आंसर मान लीजिए 10 आया है तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस 10 आएगा, ये आपको नोट करना, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इजली क्लियर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कभी भी प्रॉपर्टीज को आपको प्रूव करने के लिए नहीं आता है एग्जाम में, और अगर आप चाहें तो कर भी सकते हो, उनको एक्सपेंड कर दीजिए, इजी आएगा, तो ये जो आंसर आएगा उसके माइनस के इक्वल हो जाएगा एंड टू, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या है आपकी डिटरमिनेंट की, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसे आप ध्यान रखें, अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए उनके एलिमेंट,
तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा लिख देना है उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या है इस चीज का, यानी अगर एक डिटरमिनेंट है यहाँ लिखा है ए बी सी, ठीक है, और सेम यही एलिमेंट आपको एक और रो या किसी, या तो कोई दोनों रो या कोई दो कॉलम में मिल जाए, तो आपको इधर से मतलब नहीं होगा कि बीच में क्या लिखा है, उस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया आपने कह दिया कि सर अगर यहाँ लिखा है 1 2 1, यहाँ लिखा है 3 4 5, और ऐसे लिख दो आप, एक 2 लिख दो, एक 1 लिख दो, एक 1 लिख दो, कहना सर यहाँ भी 1 2 1 है, यहाँ 2 1 1 है, ये आइडेंटिकल नहीं बेटा। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट में, अगर 1 2 1 है और सेम 1 2 1 लिखा है तो इसको आपको सॉल्व ही नहीं करना है, आप सीधा देख सकते हो या लिख सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी आंसर क्या है, डेल्टा इक्वल जीरो या डिटरमिनेंट इक्वल जीरो, गॉट इट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, या तो कोई दो कॉलम या कोई दो रो सेम हो जाए तो बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट लिख सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी, वी नो दैट द आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो, गॉट इट। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चंस को सॉल्व बनाएंगी, सिंपल बनाएंगी, इजी बनाएंगी, मजा आएगा आपको क्वेश्चंस को करने में, नहीं तो वही रिपीटेटिव एक्सपेंड करो लगाओ 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 और फिर बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको लगे कि ये तो थोड़ा सा बड़ा हुआ सा है, लेकिन अंतर क्या है, ये बहुत ही बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट करती है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, ये प्रॉपर्टी जिसकी मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम मैट्रिक्स का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि मुझे इस 2 का मल्टीपल करना है 2 4 3 7, मैट्रिक्स है आप जानते हो ना इतना, तो अगर ये मैट्रिक्स है मुझे 2 का मल्टीपल करना है, आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आपके हिसाब से क्या यही आएगा कि सब में 2 का एंड 2 कर दो, बिल्कुल सही है, 2 2 4 4 2 8 3 2 6 7 2 14, ठीक है, हो गया ना। तो ये कितना इजी है, आपको आता है, बट डिफरेंस कहां क्रिएट हो रहा है, अगर हम बात करें कि डिटरमिनेंट में यहाँ पे क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो भाई तो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस है, यानी जो यहाँ हो रहा था वो यहाँ नहीं होना है, यही आपको रिमाइंड रखना है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को ये जो चीज है ना, मल्टीपल वाली और डिवाइड वाली, यही बिल्कुल अलग कर देती है, पहली चीज तो ये देखने में अलग कर देती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अलग करती है। यानी कि मैंने कहा अगर 2 का n2 करना है आपको 2 4 3 और 8 में, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, अगर ये डिटरमिनेंट है तो सारे एलिमेंट्स में नहीं करना, रिमेम्बर इट, सारे एलिमेंट में n2 नहीं करना है, आप जिस रो या जिस कॉलम में चाहो उसमें इंटू कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। यानी अगर मुझे इसमें करना है, इससे मेरा कोई पर्सनल अटैचमेंट है और मैं इसमें मल्टीपल करना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं, 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, एंड दिस इज ओके। अगर मैं चाहूं मुझे इस वाली रो में करना है तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ 4 and 4 2 8 and 3 and 8, ये भी कर सकता हूं, ओके। बट अगर आप कहो कि नहीं सर सारे एलिमेंट्स में करो, तो बेटा ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट की नहीं है वो। डिटरमिनेंट में क्या करना है आपको, या तो किसी एक रो में इंटू करो या फिर किसी एक कॉलम में इंटू करो, किसी एक में, रिमेम्बर, ओके, नॉट इन ईच एंड एवरी एलिमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि इसको पूरा अलग कर देती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कॉमन लेनी है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए भी यही रूल एप्लीकेबल होगा, यानी अगर मुझे कॉमन लेना है तो या तो मैं किसी एक रो से कॉमन ले लूं या फिर किसी एक कॉलम से कॉमन ले लूं, वो पूरी चीज कॉमन आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जल्दी से उसको और देख लीजिए कि अगर यहाँ लिखा है बेटा 3 6 9 और यहाँ लिखा है 2 3 4 8 12 13 और मुझे ऊपर वाली रो से 3 को कॉमन निकालना है, बिल्कुल ये 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, क्योंकि जब मल्टीपल अकेली एक रो में होता है तो कॉमन भी अकेली एक रो से ही बाहर आ जाएगा, ओके।
ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी चीज का मल्टीपल करोगे, जब एक रो में मल्टीपल होता है तो बाहर भी कहां से आएगा, किसी एक रो से निकाल लो अगर कोई चीज तो वो बाहर आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, ठीक है, या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। ओके, तो आई होप ये प्रॉपर्टी आप बिल्कुल याद रखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। क्या है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यही बिगेस्ट डिफरेंस है कि जब हम मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीपल करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में होता है, लेकिन हम डिटरमिनेंट में मल्टीपल करेंगे तो सारे एलिमेंट में नहीं होगा, या तो किसी एक रो के एलिमेंट में या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट में मल्टीपल होगा, रिमेम्बर ऑलवेज, ठीक है। ओके, मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी एक्चुअल में सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सम कैन बी सेपरेटेड। इसे मैं अपनी भाषा में यही पढ़ता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सम कैन बी सेपरेटेड, यानी जो अलग अलग चीजें लिखी हुई है सम के रूप में उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ इस तरीके से a प्लस कोई और लेना है तो ले लेते हैं एक बार लैम्डा, ओके, बी प्लस लैम्डा या फिर डेल्टा ले लेते हैं और सी प्लस गामा ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहां पर हम, मैंने जो आपको लाइन पढ़ के बताई वही आप ध्यान रखें, प्रॉपर्टी नंबर 6, सॉरी ये कौन सी है, 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 5, सम कैन बी सेपरेटेड, यानी हम जो सम है यहाँ उनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड प्लस, अब यहां से आप इनको अलग अलग कर दीजिए तो लैम्डा डेल्टा और गामा, ये गामा है सॉरी यहाँ और ये आर, फिर पी क्यू एंड आर एंड एक्स वाई एंड जेड, दिस इज अवर सिंप्लीफिकेशन। यानी अगर सम में एलिमेंट्स लिखे हुए तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, दो एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं उनको, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। यानी सम में लिखी हुई चीजों को हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर ऐसे में लिखा होता तो ऐसे में सेपरेट हो जाता, अगर ऐसे में चीजें लिखी होती तो यहाँ सेपरेट हो जाता। ओके, बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है ना, ज्यादा एप्लीकेबल है, एक आदमी न्यूमेरिकल में ही एप्लीकेबल है, बस ध्यान जरूर रखें कि सम कैन बी सेपरेटेड, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, इन प्रॉपर्टीज को बेटा आप लोग जरूर नोट करते जाएं, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी लर्न करते हैं तो काफी लेंथी होती है, पूरी लैंग्वेज होती है, मैं आपको केवल इतने से लाइन पॉइंट बताता हूँ और उससे मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। अब हम आ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, तो प्रॉपर्टी नंबर 6, ये जो प्रॉपर्टी है आप पहले यूज कर चुके हो, आपको पहले से पता है इसके बारे में, अगर आपने मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज किया है तो क्या है ना, वही है ये। क्या करते थे हम वहां लिखते थे आर वन चेंज टू आर वन प्लस टू आर थ्री, इस तरीके से ऑपरेशन यूज करते थे ना, या मान लीजिए लिख दिया सी वन चेंज टू सी वन माइनस टू सी टू, ये जो ऑपरेशन हैं ये यहाँ पे अलाउड होते हैं, आप इनको लगा सकते हो। ओके, ठीक है ना, तो अब आप कहोगे सर इनका यूज क्या करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे XI 11.4.2 करने जाओगे तो आपको यहाँ बहुत यूज है इन प्रॉपर्टीज का, ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर देती हैं, ज्यादा से ज्यादा जीरो और वन बना देती हैं ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, तो ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं, यानी आर और सी के ऑपरेशंस को यहाँ पे अलाउ किया जाता है, और इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं हमको यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑलरेडी यूज है हमारे लिए, और मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि हम इस तरीके से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मूव ओवर लास्ट एंड सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी, जो कि मैंने खुद ही यूज करता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में प्रॉपर्टी में, आप भी कहोगे सर ये क्या बता रहे, उल्लू बना दिया आपने, तो हाँ तो वैसा ही कुछ है। अगर मैं किसी एक रो या कॉलम के 3 एलिमेंट 0 कर दूं, ठीक है, और यहां पे कुछ भी लिख दूं, तो बेटा आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 0। ओके, तो ये प्रॉपर्टी खुद से आप ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है वो तो वही कहना है, स्पेस अलोंग एक्सपेंड करोगे ये सब 0 0 एंड 0, तो 0 0 0 सब कुछ 0, ठीक है ना, यही है सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप उसको एक्सपेंड ना करें, अगर आपके तीनों 0 है तो उसका आंसर डायरेक्टली 0, ठीक है। ओके, तो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है, एक बार मैं प्रॉपर्टी का आपको ओवरव्यू
अच्छा ओवरव्यू हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। आज हम अपनी समरी पूरी करेंगे इस वीडियो में, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको समरी के रूप में मैं आपको सारी चीजों को रिवाइज कराऊंगा, फिर हम लोग इस वीडियो का एंड करेंगे। तो अभी मुझे सिर्फ आपको 11.1 मैंने बता दिया कैसे करना है, 2x2 का सिंपल सा एक्सपेंशन है, सॉरी 4.2। अब हम 4.2 की बात करते हैं, तो 4.2 में अगर मैं बात करूँ तो इन प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको बताई है, इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर हम एक्सरसाइज 4.3 की बात करें तो 4.3 भी आपको एक्चुअल में उल्लू ही बनाया जा रहा है। एक्सरसाइज 4.3 में उन्होंने एक बात कही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कहा है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बहुत टेंथ से ही पढ़ते आ रहे हो ना, टेंथ में पढ़ा है आपने ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, 1/2, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो देख लीजिए, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला होता था क्लास 10th में, हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा, चाहे किसी भी बोर्ड के आप हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है कि नहीं। अब यहाँ पर आपके साथ क्या मजाक हुआ, उन्होंने कहा कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता है, अब आप निकालिए डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। तो लिखना क्या है आपको, आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे इस तरीके से, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। अब आपको कहा जाए भैया इसका एरिया निकाल के बताइए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको, लेकिन अब डिटरमिनेंट से निकालना है, तो ये फॉर्मूला अभी आप भूल जाइए कि आपको ये आता है, आप ऐसा लिखना सीख लीजिए, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1, ठीक है। तो आपको चीजों को बस ऐसे लिख देना है, जो भी वैल्यूज होंगी उनको इस तरीके से लिख दो, और इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर देना। इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व कर दोगे तो फिर आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और आंसर निकाल रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए क्या हो जाएगा कि भाई आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, आपने डिटरमिनेंट यूज किया है, लेकिन हमारे लिए क्या भैया, हम चाहे फॉर्मूला लगाए चाहे डिटरमिनेंट आना तो वही है, क्योंकि देखो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, x1 y2 - y3 और ऐसे में एक्सपेंड कर दोगे तो सेम यही फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, ओके। तो एक्सरसाइज जो आपकी 4.3 है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। एक्सरसाइज 4.3 के लिए छोटा सा पॉइंट और, जो कि आपको क्लास 10th में भी पता है, यानी कि यदि आपके पॉइंट्स कोलिनियर हो रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या कर लेना है, 0 कर लेना है, यानी कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 4.1 4.2 एंड 4.3 आप कंप्लीट करें। कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रखा है, आप मुझे जरूर मैसेज करें, टेक्स्ट करें, अपना क्वेश्चन पोस्ट करें और तुरंत उसकी जो भी आपकी रेजोल्यूशन है उसे प्राप्त करें, ओके। हाँ, तो अब जैसा हमने कहा था कि हमें समरी में जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आज, सारों सभी पॉइंट्स को रिवाइज करना है और उसी के साथ ही हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। तो एक बार समरी स्टार्ट करते हैं, ओके। आप भी सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए और उनको बारी बारी से रिपीट करते जाइए, गॉट इट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स में मोड लगे होते हैं, ब्रैकेट लगे होते हैं, डिटरमिनेंट में पैरेलल लाइंस के बीच में एलिमेंट लिखे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मैट्रिक्स का अभी भी आंसर नहीं आता है, कंपैरिजन होता है, जबकि डिटरमिनेंट गिव्स अस अ परफेक्ट वैल्यू। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, डिटरमिनेंट ओनली एग्जिस्ट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम डिटरमिनेंट की बात करें तो एग्जिस्ट होगा, इन एनी अदर केस इट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। और हम जहां तक पढ़ते हैं सिलेबस में, यूपी बोर्ड या फिर आपका एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में, तो वहां पर हमें पढ़ना होता है 2x2 और 3x3, तो इसके आगे के हम नहीं पढ़ते, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ एक्सपेंशन की, तो 2x2 का एक्सपेंशन कैसे होना है, बहुत ही सिंपल है, क्रॉस माइनस लगा के इधर क्रॉस, ओके। फिर 3x3 का एक्सपेंशन कैसे होना है, प्लस माइनस प्लस लगा के पार्ट में ब्रेक करना, तो एक्सपेंशन भी आपको आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टोटल 6 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम कोई दो रो और कॉलम को, एक रो और एक कॉलम को आपस में बदलेंगे कोई चेंज नहीं, अगर हम दोनों रो या दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो चेंज आएगा, किस चीज का आएगा, माइनस का, अगेन करेंगे फिर से माइनस, अगेन करेंगे फिर से माइनस, जितनी बार हम बदलेंगे रो को आपस में तो हमें वहां माइनस देना होगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर
दो रो या कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाए, यानी दो रो में सेम एलिमेंट लिखे हो या दो कॉलम में सेम एलिमेंट लिखे हो, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिना सॉल्व किए आप आंसर लिखने वाले हो। फोर्थ पॉइंट क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में, क्या था, अगर आप किसी चीज का मल्टीपल करोगे तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में होता है, जबकि डिटरमिनेंट में या तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ऑलवेज रिमेम्बर करना है। फिर इसी का अगर हम कन्वर्ज की बात करें, यानी अगर हम कॉमन ले रहे हैं चीजों को, तो हमें क्या करना है, या तो हम किसी एक रो से कॉमन ले लें या फिर किसी एक कॉलम से कॉमन ले लें और वह चीज कॉमन हो जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सम कैन बी सेपरेटेड, शॉर्ट में यही बताया था ना, यानी अगर चीजें सम में लिखी हुई तो हम उनको अलग अलग करके दो मैट्रिक्स, सिंपल सी मैट्रिक्स बनाकर फिर उसको अगेन सॉल्व या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी, जस्ट अ रिमार्क दैट अलाउज अस टू यूज ऑपरेशंस, यानी हम जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन है, आर वन चेंज टू आर वन प्लस टू सी टू टू आर टू, या फिर सी वन चेंज टू सी वन माइनस टू सी थ्री, इस तरीके के ऑपरेशन को हमें अलाउ करता है कि हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो 11.1 आपकी एक्सपेंशन पर बेस्ड है, सॉरी 4.1 एक्सपेंशन पर बेस्ड है, 4.2 आपकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, 4.3 आपके एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपका ओल्ड फॉर्मूला है, बस उसको मॉडिफाई कर दिया डिटरमिनेंट मेथड से, आपको उसे सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, दिस इज अवर समरी। अब हम बात करते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आगे हमें पढ़ना है माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि अनदर मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है, उसे पढ़ना है। जब फिर हम डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को कंबाइन करेंगे तो फिर हमारा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स को कंप्लीट हो जाएगा, यानी वह क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो जो रोड मैप है हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को साथ में पढ़ने का, उनसे हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं, ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट करें, उस सम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अब मैं बात करता हूँ अपनी, तो जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं उस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक और कमेंट से हम लोग रिचार्ज होते हैं, हमारे लिए रिचार्ज का काम करते हैं। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जैसे मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, आपको इस लॉकडाउन में भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोगों की भी ये ड्यूटी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब प्लस शेयर विद फ्रेंड्स करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।